मेरा नाम है टैडी गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम बस्ती। मैं सीख रहा हूँ गिटार म्यूज़िक वाले से, जो कि सिखाते हैं विनय सर, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है बहुत ही अच्छा है उनके साथ, क्योंकि बेसिकली मुझे एक महीना हो गया है सीखते हुए और मैंने काफ़ी चीज़ें एक महीना में सीख ली है, जैसे कि स्ट्रमिंग हो गया, लीडिंग प्ले हो गया और सी स्केल हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं। और मेरा एक बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन था कि गिटार बजाते समय कॉन्सेंट्रेट कैसे करें कि हम हमारा जो माइंड है वहां से डाइवर्ट ना हो। ओए होए टैडी गुप्ता, क्या रैपिंग करता है भाई तू, तेरे को तो रैपर होना चाहिए। तो टैडी, क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है कि कंसंट्रेट कैसे करें। एक्चुअली ये क्वेश्चन केवल गिटार का नहीं है, किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस, कि उस चीज़ पर हम फोकस अपना बरकरार कैसे रखें। हम कई बार किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, हम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू कैसे रखें, हम ऐसा क्या करें कि उसमें हमारा जो अट्रैक्शन है वो बना रहे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो टीचर के टच में रहो, जो भी टीचर से आप सीख रहे हो तो उसके टच में रहो, क्योंकि टीचर से आप जब भी बात करोगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वो कुछ ना कुछ आपको दिखाकर बताकर आपको इंस्पायर रखेगा। तो अपना जो भी आप बैच ले रहे हो उसमें ऐसा कोशिश करो कि हफ्ते में 1-3 बार आप टीचर से मिलते रहो। अगर आपका ऐसा बैच भी नहीं है तो भी टीचर को कुछ ना कुछ प्ले करके भेजते रहो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ प्ले करो जो आपने टीचर से सीखा है और उसको भेज दो, तब टीचर उस पर रिव्यू करेगा। तो इससे क्या रहता है, आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, टीचर आपको नई नई चीजें बताते रहता है कि टैडी ये गलत है, टैडी इसको इम्प्रूव कर लो। तो उससे थोड़ा सा हमारा अट्रैक्शन जो है, हमारा जो हमें जो इंस्पिरेशन मिल रही थी उससे वो मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंस्पायर कहाँ से हो रहे होते हो, आप थोड़ा बहुत कहीं से टीचर से हो रहे होते हो, थोड़ा बहुत आपने यूट्यूब पे या कहीं पर कोई वीडियो देखा होता है, या फिर आप कोई आपका दोस्त यार है जो बजाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं, लगातार प्ले करना चाहते हैं, तो अपने टीचर के टच में रहिए। अगर इससे भी कोई समस्या का सॉल्यूशन ना मिले आपको तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको एक दूसरा अल्टरनेटिव बताऊंगा।